ऑप्शन की। अनुजी एक क्विक अपडेट दूंगा, कल आक्रमण शो में जो सस्ता ऑप्शन कोफोर्ज का 4300 कॉल का लिया था और टारगेट जो 210-15 के आसपास था, तो इसने ऑलमोस्ट 208 का हाई बनाया। मुझे लग रहा है आज ये टारगेट हिट कर देगा। जहां तक आज की बात है तो मुझे HAL काफी अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इसकी जो 3100 जून महीने की कॉल है 3100 स्ट्राइक प्राइस करीबन 85-90 के बीच चल रही है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 69 का, यानी 70 के जस्ट नीचे, और यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो करीबन 115 से लेके 125 का होगा। ओके, HAL की 3100 की कॉल बोली आपने। ओके, 3100 की कॉल लेनी है आपको। ये इस समय एक ट्रेड प्रशांत सावंत की इस समय सस्ता ऑप्शन ट्रेड। चलिए FNO सुपरस्टार के लिए आशीष बहेती के पास चलते हैं। आशीष जी, जी टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से कल प्राइस एक्शन देखने मिला था टाटा पावर में, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इंटैक्ट है टाटा पावर में। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे स्टॉक पे नजर रहनी चाहिए, 210 का एक स्टॉप लॉस लगना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें 215-250 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, टाटा पावर 211 पे ट्रेड करता था, फ्लैट है अभी, लेकिन ये कॉल है आशीष बैठी जी की, चार के चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए गुजरात गैस पे ध्यान दीजिए, गुजरात गैस को मैंने एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले भी इसको रिकमेंड किया था, लेकिन वहां पर हमें बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि गुजरात गैस यहां से बहुत ही अच्छे मूव दिखा सकता है, शायद 25-30 रुपए का मूव भी देखने को मिलेगा। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, करंट लेवल्स पे आप गुजरात गैस में खरीदारी कर सकते हैं। 489 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और आने वाले 1 से 2 दिनों में 512 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 500 वाला कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं, 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 12.90 रुपए के स्टॉप लॉस से 500 का कॉल ऑप्शन गुजरात गैस का खरीद सकते हैं 25 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, गुजरात गैस का ये ट्रेड कॉल ऑप्शन भी आपको विकल्प दिया गया है, 512 का फ्यूचर्स का टारगेट है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग सर, मिड कैप फंडा में क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, अभी आप आईटी की बात कर रहे थे, मिड कैप आईटी की, तो हमने भी मन पहले बना लिया था मिड कैप आईटी में एक विकल्प आपके सामने रखने के लिए, और इसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से 1000 के आसपास स्तर है, हाल ही में कल या परसों इसने अपने 52 हफ्ते का लाइफ टाइम हाई बनाया था 1028 के आसपास का, और अगर आपको याद होगा वीरेंद्र, तो मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के आसपास किसी ने एक सेल रिपोर्ट निकाली थी इस कंपनी पर। ये स्टॉक मेरे ख्याल से 800-850 से लुढ़कता हुआ कुछ 750 तक गया था, या उसके नीचे गया होगा, और फिर निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। तो इस स्तर पर पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआत कीजिए आप, और जब भी मौका मिलता है नीचे के तरफ तो वक्त उसका फायदा लेकर के आप और जोड़ सकते हैं, लेकिन काफी आकर्षित लग रहा है पूरा मिड कैप आईटी पैक जो है वीरेंद्र, वो काफी अच्छा लग रहा है। ओके, बिल्कुल मिड कैप आईटी पैक काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने सस्ता ऑप्शन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ का जून 3100 कॉल लिया आपके लिए, 115 और 125 के टारगेट, 69 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ सजेस्ट किया गया इस कॉल में। उसके बाद बात हुई आशीष बहेती से FNO सुपरस्टार के लिए, टाटा पावर का फ्यूचर्स यहाँ पर 215-50 के टारगेट और 210 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में। मानस ने FNO चार्ट का चमत्कार में पिक किया गुजरात गैस, यहाँ पर 2% का मूव, इस समय 512 के टारगेट, 489 का स्टॉप लॉस। और गौरांग ने अभी KPIT टेक का मिड कैप आईटी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक अगर कोई रहा है पिछले 3-6 महीने में तो KPIT है। इवन टाटा एलेक्सी को इस स्टॉक ने बीट किया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम और यहाँ पर एक फ्रेश बाय कॉल। निफ्टी एट डेज हाई 18,375। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।